ऑन द ईव ऑफ दिवाली आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मन्नत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 16 लिंक रोड लाजपत नगर जलंधर में स्थित है। डॉक्टर श्वेता नंदा जी जो कि MD गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स हैं और बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान है। हजारों की गिनती में बेऔलाद जोड़े यहां से संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। मन्नत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। दूर दूर से पेशेंट्स यहां पर पहुंचते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर श्वेता नंदा जी के साथ बातचीत की जिन्होंने हमें हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी। हमारी टीम ने यहां पर पेशेंट्स के साथ भी बातचीत की जिन्होंने डॉक्टर श्वेता नंदा जी की बेहद तारीफ की। सत श्री अकाल जी, मैं इतने अपना ट्रीटमेंट कराने वास्ते जलंधर हॉस्पिटल मन्नत हॉस्पिटल आई जिन्हों तो मैंने अपने 18 साल पीटी तो बाद बच्चे की एक दूसरा बच्चा होने की आस मिली। इतों के स्टाफ को देखद हुआ मैडम चवेता नंदा जिन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है उन्होंने मैं संभालिया। इतों के वधिया स्टाफ ने मेरा वधिया ट्रीटमेंट चलाया। इतों मैं अज पुत्र जन्म दिता तो मैं बहुत खुश हाँ। मैं आस करती सब इस हॉस्पिटल जुड़न तो इतने मंगिया मेरा पाँच इन्होंने नाम जुगतेंद्र कौर आ। इन्होंने हम कई साल हो गए बच्चा नहीं सी होया हम बेटी हुई है। सानू किसी ने दसिया मन्नत हॉस्पिटल सानू बहुत वधिया लगा से साडा पूरा इतने इलाज होया। इन्हों डेंगू बुखार भी हो गया से सैल भी बहुत ज़्यादा घट गए सके। इन्होंने डॉक्टर ने बहुत वधिया इलाज किया। इन्होंने बहुत असं धन्यवाद करते हैं थोड़ा डॉक्टर साहब का। सानू कोई उम्मीद ही नहीं सी असं बहुत हॉस्पिटलों में गए हैं पर सानू बहुत वधिया लगा इतने आ के सानू कोई आस नहीं सी हम साड़ी बेटी हुई है। अज असी मिलन जा रहे हैं डॉक्टर श्वेता नंदा जी दसो तो स्वागत है साडे स्पेशल शो। थैंक यू। तो सानू दसो कि तुसी बड़ी देर दे जिहड़ा हैगा इस फील्ड दे विच फैकल्टी दे फील्ड दे विच अपनी सेवाएं दे रहे हो। तो सर प्रैगनेंसी जिहड़ी कि किसी समय तो बड़ी सिंपल चीज़ मनी जाती सीगी लेकिन अजकल जिहड़ा प्रैगनेंसी का नाम आने उत्ते लोगों नू थोड़ा जिहा मतलब नाल इक डर वाली जिहड़ी स्थिति बनन लग गई हैगी उहदे बारे की कहना चाहोगे? हाँ जी, अजकल ये गल बिल्कुल ठीक है कि असं टाइम के नाल देख रहे हैं कि प्रैगनेंसी की जिहड़ियां कॉम्प्लीकेशनज़ है वह हौली हौली वधदियां जा रही हैं जिन्हों को एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसैस होना चाहिए कि कुदरत वालों एक हैल्दी प्रैगनेंसी 9 महीने आम तौर पर एक नॉर्मल प्रैगनेंसी असं ये सोचते हैं कि कोई ऐसी सीरीयस मैडिकल या कोई होर कॉम्प्लीकेशन नहीं आएगी। लेकिन कुछ लाइफ स्टाइल का फर्क है, बच्चे भी प्रेशियस है। अजकल हरेक ने प्लान करना होंगे अपने करियर के अकॉर्डिंग, एक बेबी है या 2 बेबी है और फैमिली का पूरा फोकस इस चीज़ पर होंगे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जी है प्रैगनेंसी ना आए। दूसरा लाइफस्टाइल चीज़ा है, डाइट इस तरह की हो चुकी है पंजाब दे विच ओबीजिटी है कि वजन ज़्यादा है और डाइट इन्नी रिच है कि घ्यो पा के खाना और हैवी फूड का इन्ना प्रचलन हैगा है। थायरॉयड की समस्या बढ़ गई है और इन सब चीज़ों के करके प्रैगनेंसी जो है असं देख रहे हैं कि टाइम के नाल नाल कॉम्प्लीकेशनज़ है जड़ियाँ प्रैगनेंसी दियाँ वो वधदियाँ जा रही हैं और इसनों स्पेशल केयर की ज़्यादा लोड़ पै रही है। पहला तो लेडीज़ कह दें जी साढ़े तो 4 बच्चे हुए सी, अक्सर मदर इन लॉज ये कह गियाँ। लेकिन हाँ, जी हूँ की प्रैगनेंसी है वो एक स्पेशल फोकस और अटेंशन की लोड़ रखती है। जिहड़ी प्रैगनेंसी की तैयारी है कह लो ये प्रैगनेंसी होने तो 3 महीना पहले चाहिए है। साढ़े को बहुत सारे अजकल लेडीज़ या कि कुड़ियाँ आदियां भी हैं लेकिन वरना एक फोलिक एसिड है मान लो सिंपल विटामिन है जिदी कि जे डेफिशंसी हो कि कोई कुड़ी या न्यूली मैरिड जी लड़की है वो फोलिक एसिड की गोली जो मैरिज के नाल ही उन्होंने शुरू करनी चाहिए है क्योंकि जे शरीर किसी चीज़ की डेफिशंसी हो बच्चे जमांदरू नुक्स कई बार असी सुनिया होना है कि किसी बच्चे का सिर नहीं बनया या पिठ ते फोड़ा है या लत्तां नहीं चल दियां तो इस तरह दियां सीरियस चीज़ां जो कि रब करे किसी भी फैमिली ना होवे लेकिन ये चीज़ों की इंसीडेंस बढ़ जाता है जे फोलिक एसिड या विटामिन या कैल्शियम की डेफिशंसी है लड़की दे विच। और एक होर बहुत जरूरी चीज़ जी है कि थायरॉयड, अक्सर असी थायरॉयड का टेस्ट कराने कहें तो कई बार साड़िया जड़िया भैन या कुड़िया कहदियाँ नहीं जी सानू कोई समस्या नहीं है तो असी टेस्ट नहीं कराना चाहते। लेकिन ये टेस्ट जेडे है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और थायरॉयड ये प्रैगनेंसी तो पहला टेस्ट करने जरूरी है क्योंकि जे कोई इस तरह की दिक्कत आए तो वह बच्चे के दिमाग पर असर कर दी है।
तो प्रैगनेंसी तो पहला एक फिटनेस होनी जरूरी है कि उसकी लड़की की बॉडी फिट है कि वह प्रैगनेंसी नूं अगे कैरी कर सकती है और बेबी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर प्रैगनेंसी के जेडे पूरी दुनिया के वर्ल्ड ओवर यह हैगा कंसेंसस है कि 3 बार अल्ट्रासाउंड जरूरी है, 1 बार 2 महीने से, 3 महीने से और 4 महीने से। जिहड़ा पहला अल्ट्रासाउंड है उहदे ते असीं इह देखीदा क्योंकि जिहड़ी मदर नूं फीलिंग है बेबी दी उह आउंदी है 5 महीने ते बाद, उस तों पहला है। एक कई लोकां च इह वी धारणा बनी हुई है कि जी अल्ट्रासाउंड छेती नहीं करना चाहीदा, लेकिन इह बिल्कुल गलत है। जिहड़ियां अल्ट्रासाउंड है इह साउंड वेव्स है कि जिद्दां मैं तुहाडे नाल गल कर रही हाँ तां एक हवा दे विच साउंड वेव्स जा रही हैं, तां अल्ट्रासाउंड उसी दी एक वेरिएशन है। इह बच्चे लई किसी भी तरह दा हानिकारक नहीं है। अल्ट्रासाउंड करके सानूं पता लगता है 2 महीने ते असीं चैक करीदा कि अंदर बेबी की ग्रोथ हो रही है, धड़कन जिहड़ी है ये 1.5 महीने ते ही बन जाती है, तो एक अल्ट्रासाउंड उस वेले जरूरी है। और 3 और 4 महीने का जिहड़ा अल्ट्रासाउंड है ये देखने लई हुंदा है कि बच्चे च किसी तरह का कोई जमांदरू नुक्स का रिस्क ना हो, बच्चे का सिर बन रहा है, गर्दन बन रही है, स्पाइन, हड्डियाँ, आर्म्स, लैग्स, फिंगरस, एक एक चीज़ जिहड़ी है, बेबी का नक् किस तरह है, अखा किस तरह है, ये एक एक चीज़ जिहड़ी है असी 3 और 4 महीने के स्कैन से चैक करी दी है ता जो अगे लई कोई भी दिक्कत ना आए। टेक्नोलॉजी की इन्नी फास्ट एडवांसमेंट है कि तुसी ये सोचो कि हर साल ही कोई ना कोई नवा टेस्ट आता है जो कि इन्ना वधिया हुंदा है कि वो मतलब सरकार भी कह दिंदी है कि हाँ जी हरेक नूं चाहिए है। जो जनरल केयर तो है ही है कि डाइट अच्छी लिती जाए, नॉर्मल एक्टिविटी रखी जाए, टेटनस के 2 इंजैक्शन, ये चीज़ा हर प्रैगनेंट लेडी लई जरूरी है। उस तो अलावा कुछ खास टेस्ट है जो कि जेनेटिक टेस्ट होंगे, सिंपल ब्लड टेस्ट है, लेकिन उन्होंने नाल भी कुछ मदर दे विच चैक कर लिते जाते हैं जिद पता लग जाता है कि बेबी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मशीन भी साढ़े को बाकी जिदा मान लो 7 महीने है या 8 महीने है, कई बार इस तरह सुनने को आता है कि जी सब ठीक ही चलता सी लेकिन अचानक पता नहीं की हो गया जी पेट के बच्चे ही कि कोई प्रॉब्लम हो गई। इन सब चीज़ों की डिटेक्शन अल्ट्रासाउंड तो एक बहुत वधिया माध्यम हैगा ही है। उस तो अलावा साढ़े को होर भी मशीनरी होंगी है जिस तरह कि नॉन स्ट्रैस टैसट हों बच्चे और बच्चे दे हार्ट बीट जिद्दां असीं वड्डियां दी मान लो ECG हुंदी है कि जिहदे च उहदी हार्ट बीट दा पता लगदा है, इस तरह दियां स्पैशल मशीनरी साडे कोल हुंदी है कि बच्चे दी मूवमेंट हो रही है, बच्चा जिहड़ा बच्चा अंदर अच्छी मूवमेंट कर रहा है कि हर एक दिन दे विच मान लो 10 घंटे दे विच 10 या 12 मूवमेंट्स बच्चे दियाँ मदर नूं फील होनियाँ चाहीदियाँ 6 महीने तो बाद। जे कोई घट मूवमेंट होवे, बच्चा हिलदा घट है या कि लेडी दा वजन नहीं वध रहा कि जिस तरह वजन घटता जा रहा है, इस तरह की कोई भी दिक्कत होवे तां वो एक साइन है कि डॉक्टर नूं कंसल्ट करना चाहिए और उहदे लई स्पैशल टेस्ट हुंदा है बच्चे की धड़कन का, हार्ट बीट का, मूवमेंट का, ये सब टेस्ट है वो करके आपां इंश्योर कर सकते हैं कि अपना 9 महीने का जिहड़ा जर्नी है इहदे च किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आवे। मेरा नाम संतोष है, मैरिज 2015 च हुई सी ते मेरे बेबी काफ़ी कोशिशों तो बाद बेबी कंसीव नहीं हो रहा सी ते असी इतने मन्नत हॉस्पिटल जलंधर आए सी, इतने मैम ने रसोलियाँ सगिया ते मैम ने रसोली का ऑपरेशन किया ते मेरे हसबैंड भी थोड़ी प्रॉब्लम सी मेरे च भी सी ते मैम ने भी इहदा ट्रीटमेंट किया साडा इहनां दी मैडिसिन दे नाल साडे ट्रीटमेंट करन तो बाद बेबी कंसीव होया ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 17 ਸਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ, ਮੈਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਹੈਲੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਆ ਅਤੇ ਮੈਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।